गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजू इधर तुम लोग जाओ। राजू तूने इस साल की स्कूल फीस नहीं भरी है। सर मैं ये महीने के लास्ट तक मैं पूरा भर दूंगा। सर मैं देख राजू तू अच्छा लड़का है, अच्छा पढ़ाई में तेज है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तेरे को स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी। देख बाकी सब लोग बच्चों ने स्कूल फीस भरी है, खाली तू ही बचा है, तेरे को फीस भरना पड़ेगा। और समझो तो तूने स्कूल की फीस नहीं भरी तो कल से स्कूल में मत आना, समझा? चलो जाओ। अरे वहाँ पर गए थे याद है तेरे को? हाँ उसी में। राजू आज मैं बहुत खुश हूँ यार। खुश है? मेरे को बता ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बता रहा तू? कल मैं अपने पापा से पैसे लेकर लाने वाले ट्रिप की फीस भरने वाला हूँ। अंकित एक बात कहूँ चलेगा? राजू तू इतना उदास क्यों है? तो अपने पापा से कहेगा मेरी स्कूल का फी भर देने, मेरे को ट्रिप नहीं जाना है। आखिर क्यों? मेरे घर की हालत बहुत बुरी है, अगर मैं इस साल का स्कूल का फीस नहीं भरूंगा तो टीचर मुझे स्कूल से निकाल देगी। लेकिन पापा को मैं ये बात कैसे समझाऊं? वो नहीं मानेंगे। तू किसी और से मांग ले, मुझे माफ कर। लगता है मुझे स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। चल लड़के क्या दिख रहा है? दीदी वो किताब कितने की है? बेटा तेरी उम्र ये किताब पढ़ने की नहीं है, स्कूल वाली किताब पढ़ने की है। दीदी मैं बड़ा होके पुलिस वाला बनूंगा। अबे तू पुलिस वाला बन या चोर? दीदी चोर मत बोलो। साले चोर के लड़के को चोर ने तो क्या संत कहेंगे। ये अपने उस गली का सुरेश का लड़का है। सुरेश की तो आधी जिंदगी चली गई चोरी करने में और ये आया है बड़ा अफसर बनने। निकल यहाँ से, भगाओ इस लड़के को। बताएगा कुछ? काहे को रो रहा है? चल बता मेरे को क्या हुआ, क्या हुआ बता चल। राजू सुबह सुबह ऐसे नहीं किया करते बाबू। राजू इतना गुस्सा नहीं किया करते, क्या हुआ? वो काशे भाई है ना काशे भाई, मेरे को चोर बोला उसने। चोर हूँ मैं तेरी वजह से, तेरी वजह से मुझे चोर बोला उसने। चोर बोला? चोर किसने? चोर हूँ मैं। ए तो भाई राजू, राजू भाई, राजू भाई तू तो भाई भाई भाई। अरे गुस्सा नहीं करते बाबू, रह गए। अरे चोर बोला तो कोई गलती की है क्या उसने? और क्या कहेंगे? चोर दिखता है मैं। आए राजू, राजू 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 इसमें इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है राजू। लाख साला अपन चोर है, अपन चोर है राजू, और चोर को चोर नहीं तो क्या कहेंगे? चोर दिखता है मैं। अरे साला राजू, राजू उसने चोर बोला, अगर मैं चोरी नहीं करूंगा ना साला फुक्का मार जाएगा तू। हाँ तू चोर है, मैं चोर नहीं बनेगा। मैं नहीं, मुझे बड़ा होकर पुलिस वाला बनने का है। तू साला पुलिस वाला बनेगा? मुझे पकड़ने के लिए पुलिस वाला बनेगा तू? कल से स्कूल नहीं जाने का, समझा ना? और स्कूल फीस नहीं भरा तो टीचर निकालेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा पुलिस बनने का सपना टूट जाएगा, मुझे पुलिस वाला बनना है, बनना है, बनना है। ये नौटंकी मेरे को नहीं चलेगी। चल हट। राजू तू ऐसा क्यों कर रहा है? साले साले तो एक तो साला अपने को आज दो चार आदमी ने बहुत पट गया, बहुत पट गया साला। आज अपन पकड़ा गया, ऊपर से तेरी साली ये बचपन बंद कर तू, तेरी बचपन राजू बंद। तू निकल यहां से।
तुम्हारा काम खत्म हो गया, सेठ ने पैसा लेने के बोला, तुम अपना काम खलस करके पैसा ले लो। अच्छे से काम करो, ये तुम्हारा आज का पगार। दादा दादा कुछ काम मिल सकता है दादा? अरे सुबह का टाइम यार, जाना यार, काहे को दिमाग खराब करा यार। दादा काम दे दो बस, मैं कर लूंगा दादा, मैं कर लूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं चलता है भाई, सुबह का टाइम है, धंधे का टाइम है, कोटी मत कर। दादा देख लो थोड़ा सा काम रहेगा। दिमाग मत खराब कर यार, सुबह का टाइम है, बाद में। छोड़ के मत जाना। नहीं बाबा नहीं, मुझे लग रहा है बाबा। नहीं नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मेरा बचने का चांस नहीं मैं राजू। बाबा नहीं, अंकल तो कोई काम दे दो, मैं काम करके पढ़ लूंगा। अंकल मेरे पास थोड़ी काम है, काम जहाँ मिलता है वहाँ काम ढूंढ लेना। जाना यार, काहे के लिए तकलीफ दे रहा है तू। आंटी आंटी आप कुछ दे दो। ए लड़के भाग यहाँ से, पैदा करके छोड़ दिया माँ बाप ने भीख मांगने। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल मेरे को एक मिनट। हाँ बोलो। मेरे को काम मिल सकता है होटल में? कोई भी काम चलेगा, मैं कर लूंगा। लेकिन बच्चा, हम छोटे बच्चों को काम पे नहीं रखते। अंकल दे दो, मैं मजबूरी में, मेरे को स्कूल का फीस भरना है। लेकिन तू तो स्कूल जाता है ना? तो काम कब करेगा? चलेगा। हाँ हाँ कर लूंगा, सब कर लूंगा। ठीक है तो एक काम करना, आज शाम से ही आ जाना, लेकिन तुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे। हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है ठीक है। और सुन, तुझे मैं 100 रुपया दूंगा। हाँ हाँ। और ऊपर से खाना भी। हाँ। आप कितने अच्छे, अभी मैं स्कूल का फी भर पाऊंगा। चल अभी बहुत बोल पाया है, चल निकल, कल से आ जाना। हाँ। ए जल्दी फटका मार रहे। रामो, गले का पैसा कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम साहब। तो राजू को मालूम रहेगा, मेरे को नहीं मालूम। राजू किधर है? बर्तन धो रहा है। अबे राजू, कल तूने गले को हाथ लगाया था? नहीं। उसमें 7,800 रुपये थे। मैं नहीं जानता। तो फिर पैसे कहाँ गए? चल बल रामो, इधर आ। तूने गले को हाथ लगाया था? नहीं। तूने लगाया था? नहीं। क्यों छोड़ोगे? क्यों ना, क्यों तेरे को क्या दया आ रही है? मानेगा नहीं, चल तुझे पुलिस के हवाले कर लेता। चल तुझे तो ना पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। साहब मत करो साहब, साहब 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 मैंने सॉरी नहीं किया साहब। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं रघु सेठ बात कर रहा हूँ।
हाँ सर, मेरे होटल में है ना चोरी हो गई है। नहीं साहब, नहीं। और जिस लड़के ने जो कारनामा किया ना, वो है ना मेरे पास ही खड़ा है। प्लीज आप जरा जल्दी आइए और उसके अरेस्ट कर लीजिए। ओके सर। अब पुलिस आएगी ना, बराबर बाबू लगाएगी। खड़ा रहो। रघु कौन है? मैं हूँ साहब। आपने फोन पे कंप्लेंट की थी? जी हाँ साहब। बोलिए। ये लड़का 4 दिन से हमारा जो काम कर रहा है और इसने 4 दिन के अंदर ही चोरी कर दी। नहीं किया है चोरी। ए, क्या नाम है तेरा? सब राजू। राजू किधर रहता है तू? सब इधर ही पीछे खोली में। ये इन्होंने मेरे को काम पे रखे, रोज 100 रुपए देते सब, 4 दिन हो गए। ये हमको मां सिखा क्या झूठ है क्या सच है, हमें सब पता है। सच सच बता, तूने पैसे क्यों चोरी किए? साहब मैंने पैसे चोरी नहीं किए। अगर तू सच बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुप बोलना, बोलना। साहब इसने चोरी नहीं किया। चलो सर उठा लेते। मैंने चोरी नहीं की साहब, मैंने चोरी नहीं। तू झूठ बोला है? नहीं सर। तो सच्ची एक काम करो रघु भाई, आप बेफिक्र रहो, आपको पैसे मिल जाएंगे। इसको पुलिस स्टेशन में रिमांड में लेंगे ना, इसकी आवाज बराबर खुल जाएगी। मुझसे कैसी गलती हो गई? एक बेकसूर बच्चे को मैं पुलिस के हवाले कर दी। और उसे जेल की हवा खिला दी। राजू राजू का मेरे ही रखे हुए पैसे मुझे मिल गए, लेकिन मैंने उस पर इल्जाम डालकर पुलिस के हवाले कर लिया उसे। आज 2 महीने हो वो जेल के सलाखों के पीछे, पुलिस भी उसे मारती होगी। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ करती है तूने? बेचारी क्या करता हूं मुझे ही कुछ करना। मत जाओ शेर, आपकी बदनामी होगी। स्टेशन, मैं रघु भाई बोल रहा हूं। 2 महीने पहले मैंने एक चोरी की केस दर्ज की थी राजू नाम के लड़के की, प्लीज उसे छोड़ दो। उसको तो 2 दिन पहले ही छोड़ चुके हैं।
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ राजू तू सेठ ए कोई इसको टच नहीं करेगा ये किसका पॉकेट है मेरा पॉकेट ये लो और चलो निकलो यहाँ से इंसान है ना मजबूर से चोरी करता है कोई जानबूझ के चोरी नहीं करता है समझे ना क्या हो राजू तू डर मत राजू हाँ